चलो बच्चा, आज का टॉपिक जो है बड़ा आसान है और फ्री के नंबर है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा, यस सर, केमिस्ट्री में सुना होगा आप लोगों ने शायद, ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। लाइट वेव है या पार्टिकल है? ठीक दोनों को ही है, कंफ्यूज। ह्यूमन नेचर। ड्यूअल नेचर तुम्हें पता है, तो वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ड्यूअल नेचर बेसिकली। ठीक है जी, तो बहुत पुरानी जंग है बेसिकली। पहले लोग कहते थे कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि लाइट वेव है, कुछ लोगों ने कहा लाइट पार्टिकल है। तो कुछ फिनोमिना थे जो वेव से एक्सप्लेन होते थे और कुछ फिनोमिना थे जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते थे। तो बच्चा, हाइगन साहब थे हमारे, हमने पढ़ा ना बच्चा हाइगन। हाइगन यस सर। साहब ने क्या कहा था, वो वेव है या क्या है? वेव कहा था। वे फिर हमारे पास मैक्स प्लैंक साहब आए थे, ठीक है जी। प्लैंक थ्योरी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी सुना तुम लोगों ने? यस सर। तो मैक्स प्लैंक साहब आए, उन्होंने कहा नहीं पार्टिकल है जी, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने अपनी थ्योरी बोली कि ये है वो है, ठीक है जी। तो फिर बाद में एक बड़े सज्जन आए, उनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। इन्होंने कहा लड़ो मत, दोनों है। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी जो है हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है बेसिकली, वो किससे करते हैं हम लोग बच्चा? वेव नेचर से करते हैं। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा, जो वो एक्सप्लेन करते हैं किससे? पार्टिकल नेचर से। किससे? पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है भाई। तो ये पुरानी गाथा से कोई काम की हमारी है नहीं, थोड़ा पता होना चाहिए हिस्ट्री में कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल है। तो किसी इंस्टेंस पे वेव की तरह बिहेव करती है और किसी इंस्टेंस पे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो जो हम ये पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किस पे बेस्ड? लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, ठीक है बच्चा। यस अब सुनो, ये होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो मतलब क्या होता लाइट। है? लाइट। अब जो पार्टिकल नेचर है बच्चा, वो क्या कहता है बेसिकली कि ना, लाइट कंसिस्ट ऑफ, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। नाम सुना होगा? तो यस सर। फोटॉन्स जो है, टाइनी पार्टिकल मानते हैं फोटॉन्स, ठीक है जी। और वो चलते हैं कितनी स्पीड से? स्पीड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ की पावर ये मीटर पर सेकंड। और क्या कहते हैं, क्या इन पे चार्ज होता है क्या फोटॉन पे? क्या नॉन सर एनर्जी होती। हाँ, गुड, नो चार्ज। इनका मास, फोटोन का मास बोलो बोलो, फोटोन चार्ज ही नहीं सर। कोई ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मास कहाँ से है। एक्चुअली इसमें डिफाइन करते हैं हम लोग कि इसका रेस्ट मास जीरो है। क्या बोलते हैं इसका? रेस्ट मास, टेक्निकल टर्म बोलते हैं हम लोग रेस्ट, क्योंकि ये फोटोन का भी रेस्ट पे आता ही नहीं बेसिकली। तो क्या बोलते हैं इसका? रेस्ट मास जीरो। अच्छा, ये क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा? नो सर। क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होगा? वाह, कहते, अरे देखना, रिया चक्रवर्ती एंटर द रूम। वाह वाह, क्या बात है, लोग भी ना कितने खतरनाक खतरनाक आइडिया लेके आते हैं। सुशांत भी आएगा सर कल। यस फिर सीबीआई ध्यान रखें। चलो, क्या क्रिएटिव आइडिया लोगों, कितने वेले हैं लोग, मतलब है ना। इनको आईडी मिलती कहां से ऐसे खतरनाक बंदों को मेरी? चलो, तो बच्चा ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेसिकली। पहले बोला मैं, फोटो एक्सप्लेन किया, फोटो मतलब लाइट,
लाइट हम मानते हैं किससे बनी है, फोटोन से बनी है। फोटोन चलते किससे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। इन पे कोई चार्ज नहीं है बच्चा, और इनका रेस्ट मास जीरो है बच्चा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। ये बेसिक ज्ञान है बच्चा, बोरिंग से टॉपिक है बट इतना ज्ञान सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है बच्चा, यहाँ समझ में आया आपको? यस सर, यस। ठीक है बच्चा, अब असली बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक है क्या? देखो सुनो, मान लो कोई मेटल सरफेस है, कोई मेरे पास मेटल सरफेस है, मेटल ही क्यों ले रहा हूं बताऊंगा, ठीक है? मेटल सरफेस है, उस पे हमने क्या कर दिया, लाइट डाली। ठीक है जी, तो लाइट डाल के मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना बच्चा, वो मेरा पास क्या होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चा, फोटोन्स डाल रहे हैं किस पे, मेटल के सरफेस पे, और वो फोटोन क्या कर रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आसान सा फंडा है। अब मेटल ही को लेता हूं बच्चा मैं, बताओ भाई, उसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं क्या सर? इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, फ्री मेटल्स में से सर आसानी निकालना आसान होता है ना, नॉन मेटल से मुश्किल है निकालना। अरे तुमने नाम सुना होगा आयनाइजेशन एनर्जी। यस यस सर, वही होगा मतलब, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, गुड 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 गुड, आई वाज जस्ट चेकिंग योर डेटाबेस अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, जल्दी निकल जाते हैं। हाँ गुड चोपड़ा साहब, तो जिसकी आईपी कम होगी ना, आयनाइजेशन एनर्जी जो कम होगा, आईई जो बेसिकली कम होगी ना, उससे निकालना आसान होगा मेरे पास बच्चा, मानते हो? तो तुमने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम, जो तुमने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने। यस सर। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती, नीचे जाते हैं, बढ़ती घटती है एनर्जी? घटती है सर, घटती है। हाँ घटती है, तो सबसे आसानी से कौन सा निकल पाएंगे, जो लास्ट में एलिमेंट है, लास्ट में एलिमेंट कौन सा होता है भाई फर्स्ट ग्रुप में, इसमें सीजियम ना, लिथियम, सीबीजियम, रुबिडियम ऐसे कुछ था तो नहीं। चलो तो सबसे आसानी से किसमें निकलेगा, सीजियम निकल जाएगा बच्चा, मानते हो? यस। अच्छा अब सुनो, तो ये कहानी सिंपल सी है कि हम फोटोन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, देखने बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पता क्या होता है, सुनो, इस वाले सरफेस को हमें अर्थ भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अर्थ करना पड़ता है। अर्थ क्यों करते हैं इसको? नहीं पता, सुनो देखो, पता क्या, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए मान लो, तो इस सरफेस चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चा, मानते हो सरफेस पे? हाँ ना बोलो। यस सर। पॉजिटिव आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले थे वापस वो अट्रैक्ट कर लेगा, इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा ये? यस। जो मेहनत की हम लोगों ने बाहर निकालने में, इस चार्ज ने क्या किया, वापिस से अट्रैक्ट करा लिया और वापिस लेफ्ट सरफेस के अंदर ले लिया, तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना, मानते हो? तो इसलिए अर्थिंग करते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता था मुझे? पोटेंशियल जीरो कर देंगे। वो तो आपकी बात सही है, पोटेंशियल जीरो कर देते हैं, वो तो बिल्कुल सही है आपकी, मतलब चार्ज जीरो करता है बेसिकली। लेकिन पता क्या, अर्थ को हम समंदर मानते हैं, क्या मानते हैं, सी मानते हैं बेसिकली, क्या, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जितना मर्जी दे भी सकती है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। तो जैसे ही चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा, अर्थ क्या करेगी, इसे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगी और नेट चार्ज को ये बैलेंस कर देगी बच्चा, ताकि ये न्यूट्रल रहे, ताकि फिर से वो अट्रैक्ट ना कर सके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस यस। ठीक है, अब सुनो, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है जी, देखने में आसान लग रहा है कि हाँ फोटोन डाला और निकल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं कि सारे फोटोन डालते हैं। जैसे मान लो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चा? एफसी बाय लैम्डा। एक फोटोन है, फोटोन को हमने बोला लाइट है, लाइट के अंदर क्या होती है एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी होती है बेसिकली, उससे हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। क्या लिखते हैं? यस सर। न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, पढ़ा हुआ तुम लोग केमिस्ट्री? यस सर, यस सर, यस सर।
ये फ्रीक्वेंसी होती है, एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी गुड, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है, ठीक है जी। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है बच्चा, हर लाइट के लिए सेम होगी, डिफरेंट होगी? सोर्स पे डिपेंड करेगी। मतलब रेड लाइट एक येलो है, ठीक है जी, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होगी ना बच्चा। तो बेसिकली अलग होगी तो हर फोटोन की एनर्जी भी अलग होगी बच्चा। रेड कलर के फोटोन होंगे, उनकी एनर्जी मान लेते हैं आप E1 है, और येलो फोटोन की एनर्जी पर मान लेते हैं E2 है, ठीक है जी। तो वेयर E1 इज नॉट इक्वल टू E2 बिकॉज फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट है। और आप जानते हो देखो, V इज इक्वल टू, तुमने पढ़ा होगा F लैम्डा, पढ़ा तुम लोगों ने वेव के अंदर? Yes. तो बच्चा मुझे पता है कि F की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, V by lambda, मानते हो? अब मुझे बताओ वेलोसिटी था बच्चा, तो ये बताओ मुझे कि फोटोन की स्पीड क्या होती है, सी होती बच्चा, कोई क्या बन जाएगा, सी बाय लैम्डा बन जाएगा। तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को, न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पुट कर दूं तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, एच सी बाय लैम्डा। बात चमकी? यस। तो हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, ठीक है जी, कितनी, एक तो E इज इक्वल टू एच न्यू याद रख लो, या याद रख फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एच न्यू यूज कर लो, और अगर लैम्डा दे रखा है तो एच सी बाय लैम्डा से याद रख सकते हो, ठीक है। अब तुमने मुझे बताया आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये बताओ मुझे अगर एक फोटोन है मेरे पास, इस आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थ्रेश। यस सर। तो अगर मान लो जो फोटोन की एनर्जी, मान लो ई है, फोटोन की एनर्जी ई है, और अगर वो ई मेरा छोटा है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होएगा। हाँ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, अगर एनर्जी कम है मेरे पास तो निकलेगा नहीं, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, मान लो अपने पास मेटल सरफेस है, और इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है मेरे पास, पीएच ही लिख दूं बच्चा मैं, दा मत पढ़ना इसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ देना, ठीक है जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो मान लो मेरे पास कितनी है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है मान लो, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो मैं फोटोन डाल रहा हूँ इस पर, और उसकी एनर्जी मान लो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बताओ बच्चा क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो सर। सर अगर मैं मान लो ऐसे 5 डाल दो तो? हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा सर। 4 और ये 5, ये 5 फोटोन डाल दिए, तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कितने लोग बोलते निकलेगा, निकलेगा, इक्वल हो जाएगी एनर्जी तो। हाँ तो जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी अपने को, 200 चाहिए निकालने के लिए। यस सर। पक्की बात है, सब लोग बोल रहे हो, आना बोलो। यस सर। उर्मित बोल रहे हैं ना, बाकी सब हाँ बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं, बाकी जवाब नहीं दे रहे कुछ तो सोचते हैं, देख मास्टर बताएगा। चलो सुनो, देखो बच्चा इसका जवाब है कि नहीं निकलेगा, अगर मैं 6 डाल दूं ना तब भी नहीं, 7 डाल दूं तब भी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, तोते उठ गए सब, कह दो। यस सर। नहीं बच्चा सुनो, क्या होता है थ्रेशोल्ड, मतलब क्या है, इसको एक ही फोटोन से
थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगी ना, या उससे ज्यादा मिल जाए, या तो उतनी मिल जाए या उससे ज्यादा मिल जाए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे समझ लो तुम लोग, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। एक्चुअली पता है क्या है, जो तुम कह रहे हो ना कि हाँ पांच या छह से निकल जाएगा, बेसिकली यही किसने कहा था, वेव थ्योरी ने। किसने कहा था? वेव थ्योरी ने। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ऐसा वेव थ्योरी ने कहा था। लेकिन ऐसा पाया, एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा पाया नहीं गया। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब माना तुम तैयारी कर रहे हो नीट की या जेई की, जो भी तुम तैयारी कर रहे हो, क्या तुम ऐसे करोगे पांच साल लगाओगे क्या तुम लोग, कि आधा एक साल पढ़ लेते हैं, आधा एक साल मतलब वन फिफ्थ ऐसे पढ़ लेते हैं तो जेई निकल जाएगा पांच साल में? नो no. तुम्हें एक साल में पूरा जोर लगाना पड़ेगा, वो चाहे एक ही टाइम में, एक ही अटेम्प्ट में तभी निकाल पाओगे। तो ऐसे समझ लो कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो प्रोटॉन की एनर्जी होता है ई है, वो या तो बड़ी हो या बराबर हो किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा बच्चा ये बताते हैं मेरे पास, हेलो यस सर, सुनो बच्चा मैं ये कह रहा हूँ बच्चा आपको कि दो टर्म आएंगे इसमें, एक तो ठीक है जी, एक टर्म आएगी इंटेंसिटी। आपको इंटेंसिटी का मतलब पता है? यस सर। कौन बताएगा मुझे इंटेंसिटी क्या होती है? यस सर। बताओ भाई इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट फॉलिंग ऑन एन एरिया पर यूनिट, लाइट फॉलिंग ऑन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे रे 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 रे, सुनो भाई तुम सही क्लियरली बोलो। देखो ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे याद रख लो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने तुम्हें ऑप्टिक्स yes, याद करो, तुम्हें एक मैंने आंख बनाई थी शायद, तुम भूल गए शायद। मैंने बताया था तुम्हारे, जैसे मान लो कि एक बल्ब था, मान लो ये ठीक है जी, एक बल्ब था ठीक है जी, और मैंने एक स्फीयर बनाया था मान लो, ऐसे स्फीयर के सेंटर पे बल्ब रखा हुआ था, फिर एक और स्फीयर बनाया था मान लो मैंने। यस सर। याद आ गया होगा तो ना, तो मैंने पूछा था किससे एनर्जी ज्यादा निकलती है, ये स्फीयर वन है ये स्फीयर टू है, किससे एनर्जी ज्यादा निकल रही है? सेम एनर्जी। ठीक है तुम्हें याद है, मतलब है तुम गजनी तो नहीं हो ठीक है जी, तो सेम एनर्जी निकलेगी, क्योंकि देखो जो मेरे पास लाइनें यहाँ से निकलेंगी वही यहाँ से निकलेंगे फोटोन ठीक है, तो सेम एनर्जी निकलेगी। गुड। अब मैंने पूछा था कि बताओ बल्ब तो यहाँ था लेकिन रोशनी ज्यादा कहाँ नजर आएगी, S1 पे या S2 पे? S1 पे। क्यों? इंटेंसिटी ज्यादा है, एरिया कम है। इंटेंसिटी एनर्जी दोनों में सेम है, मान लो यहाँ इंटेंसिटी I1 है या इंटेंसिटी I2 है, इसका रेडियस आप R मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं पर 2R, तो I1 जो होगा बच्चा वो क्या होगा, एनर्जी तो दोनों में सेम है बाय एरिया यानी 4 पाई R का स्क्वायर, और इंटेंसिटी एट 2 वो क्या आएगा मेरे पास, एनर्जी तो सेम है और ये 4 पाई 2R का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद रहेगा बच्चा ये? यस सर। अब सुनो, इस इंटेंसिटी को हम कैसे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इस इंटेंसिटी को कैसे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लो मैं बोल रहा हूं मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी,
मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी या घटा दी, तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए इस कॉन्टेक्स्ट में? एनर्जी ज्यादा या कम, क्योंकि एरिया ज्यादा या कम। अच्छा देखो, इसमें हम ये इन्फर करेंगे बच्चा इसमें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखो हर फोटोन में एनर्जी, बच्चा मानते हो? अगर इंटेंसिटी ज्यादा yes, ना एनर्जी ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो हम इससे जो इन्फर करेंगे yes, करेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो बढ़ गए। अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, और इंटेंसिटी घटी तो नंबर ऑफ फोटोन घट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें yes, जो इन्फर करना है इसमें इंटेंसिटी से, वो ये कर रहे हैं। हाँ जी सीमा जी, यही है। चलो तो इंटेंसिटी से हमें ये पता लगेगा, और फ्रीक्वेंसी से क्या पता लगेगा हमारे को? फ्रीक्वेंसी और फोटोन से क्या पता लगेगा? लैम्डा वेवलेंथ का पता लगेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से वो तो पता लग जाएगा, बात सही है आपकी, लेकिन हमें पता है E is equal to HF था या H nu था, बच्चा मानते हैं। तो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी से देखेंगे कि एनर्जी कितनी है फोटोन की। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूँ, बच्चा मानते हैं। Yes, sir. और अगर मैं फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूँ तो मैं एनर्जी ऑफ फोटोन घटा रहा हूं। चलो यहां तक बात समझ में आ गई सबको, इंटेंसिटी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है यहां तक? yes, sir. कोई तकलीफ? अच्छा yes, sir. अब मेरा बस थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट पूछता हूँ, दो चार कंसेप्ट हो रहा है फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन किया मैंने कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब मान लो ऐसे ये मेटल सरफेस है और इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो दे रखी है, मानो 200, क्या दे रखी है? 200 दे रखी है। और मैंने फोटोन डाला ऐसे, और इसकी एनर्जी 250 है, मान लो कितनी है, 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसकी 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ बच्चा कि क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा सर, निकलेगा सर, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। अच्छा तो बाकी जो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 200 चाहिए निकालने के लिए, बाकी जो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कहाँ जाएगी? हीट में। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। गुड शाबाश, काइनेटिक्स, काइनेटिक एनर्जी, गुड शाबाश बच्चा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आएगी, किस फॉर्म में आएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। अच्छा मैंने तीन फोटोन डाले हैं, मैंने तीन फोटोन डाल दिया आपके पास, तो क्या तीनों में सेम काइनेटिक एनर्जी आएगी, डिफरेंट आएगी? सेम 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 सेम, अनफॉर्चुनेटली सेम नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली सेम नहीं आती। लॉजिकली लगता है सेम आनी चाहिए, लेकिन पता है क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस देखा तुम लोगों, तुमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट? यस सर। तो उसमें तुमने लैटिस पढ़ा होगा, मेटल जो होता है बेसिकली मेटलिक बॉन्डिंग करता है, लैटिस बनाता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो yes, sir. कोई फोटोन तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, तो सेम जो बच्चा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है जी, तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, बच्चा मानते हो? यस सर। तो सब में सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, सब में सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, याद रखना बच्चा। निकलेंगे तो तीन ही इलेक्ट्रॉन ना सर, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहा है ना सरफेस से, तब उसी एनर्जी लॉस हो जाती है कुछ, ठीक है जी। तो कुछ में लॉस होता है, कुछ में लॉस नहीं होता, ठीक है जी। तो सब में सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, ये पॉइंट याद रखना बच्चा।
अब काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज आएगी मिनिमम कितनी होगी, जीरो मानते हो, मैक्सिमम कितनी होगी, 50 हो जाएगी एनर्जी और उसके डिस्टेंस, इस केस में 50 हो जाएगी बच्चा, मानते हो। वैसे फॉर्मूला जो बनेगा बच्चा मेरे पास क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है बच्चा। तो ये फॉर्मूला रहेगा मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। इतनी बात समझ में आ रही है? यस यस। वन बाय वन मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया सब में सेम एनर्जी नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत होगा या कुछ टाइम लेगा? पांच दस मिनट लगेंगे उसको या तुरंत होगा सरफेस? टाइम तो लेगा थोड़ा सा। नहीं, टाइम नहीं लेता, वो इंस्टेंट होता है, याद रखना, ये थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट से पाया गया है। जो आप बोलते, जो आप सारे आंसर दे रहे हो ना मुझे, वो दे रहे हो वेव थ्योरी अकॉर्डिंग। वेव थ्योरी कहती है कि टाइम लगना चाहिए, लेकिन जो पाया गया एक्चुअल में वो क्या पाया गया कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा वो इंस्टेंट होता है, कुछ टाइम के बाद नहीं होता। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंटेंसिटी बढ़ा दो, अब तुम उस पॉइंट को पढ़ पाओगे, जैसे तुम्हें बताया पॉइंट, अब तुम समझ पाओगे उस पॉइंट को जो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है क्या? हाँ बच्चा देखो सुनो, वेव के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि पांच डाल दूं छह डाल दूं तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए बच्चा, वेव नहीं बोला, मानते हो। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एमिशन जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, मतलब हमारे लिए इंटेंसिटी का मतलब क्या था बच्चा, नंबर ऑफ फोटोन, मानते हो। अरे हाँ ना बोलो। yes, sir. ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग वेव ने कहा कि अगर अगर मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई भी लाइट ले लो, ठीक है जी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए वेव के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं था। जो एक्चुअल में था, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी ना तभी एनर्जी बड़ी होगी, तभी वो निकाल पाएगा। अच्छा अब सुनो बच्चा, दो टर्म और बता रहा हूं आपको इसमें। मैंने ई लिखा था बच्चा, याद है आपको, ई थ्रेशोल्ड, तो इसे क्या लिख लूं मैं, एच न्यू थ्रेशोल्ड लिख दूं बच्चा इसको मैं? हाँ ना बोलो। yes. तो इस टी एच को क्या लिख रहा हूं मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या लिख रहा हूं मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा जो फॉर्मूला था मेरे पास एनर्जी का वो क्या था, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो इस लैम्डा को क्या बोल दूं मैं, लैम्डा टी एच बोल दूं, तो इस पर नाम दे दूं मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मानते बच्चा? तो दो नई टर्म बताई मैंने आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मान लो फोटोन है मेरे पास और उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है, तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो जो है वो न्यू है मेरे पास, तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी होनी की छोटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? बड़ी होनी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, ये बड़ी होनी चाहिए किससे,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्यों की ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा अगर बात करूं मैं किसकी, मान लो फोटोन है उसका वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, तो क्या ये लैम्डा बड़ा होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से या छोटा होना चाहिए? छोटा छोटा क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बच्चा तो वेवलेंथ छोटी होगी तब एनर्जी बड़ी होगी, बच्चा मानते हो? तो लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात चमक गई यहां तक? यस सर। अरे बाकी बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है दिशा, उर्मित, कनन, साक्षी, पल्लवी, जागते रह करो, सोया मत करो, ठीक है जी? ठीक है ठीक है बच्चा, अब करते हैं चैप्टर का श्री गणेश। ठीक है जी, ये बेसिक ज्ञान मैंने दे दिया, फ्रीक्वेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है और इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, अर्थिंग क्यों करते हैं, और सारा सिस्टम बता दिया और फोटोन की प्रॉपर्टी बता दी। अब होता क्या है सुनो बच्चा, मेरी ड्राइंग थोड़ी माशाल्लाह है, देखते हैं सही बना पाता हूँ नहीं बना पाता हूँ। एक सेटअप किया लोगों ने, उस सेटअप को मैं एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ये सेटअप बनाया था ऐसे, यहाँ पे मेटल का सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, एक मेटल का सरफेस ले लिया बच्चा, और हमने क्या किया यहाँ से फोटोन डाले, ठीक है बच्चा, फोटोन डाल दिए और सामने भी एक प्लेट लगा दिया ऐसे। अब फोटोन डाल दिए, मान लो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू जो है वो लेस देन न्यू टी एच है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नो सर, नहीं निकलेंगे। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली और डाल दी, ठीक है। मान लो मैंने 100 फोटोन डाले, मैंने दिखाए 3 है, मान लो मैंने 100 फोटोन डाल दिए। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, इसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या रेडिएशन जो भी है बच्चा, ठीक है। ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं हम लोग, मैटर वेव पढ़ेंगे। चलो सुनो, 100 फोटोन डाल दिए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चा, मानते हो? Yes. तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो बच्चा एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा कुछ में कम होगी, तो कुछ कहीं यहाँ गिर जाएंगे, कुछ यहाँ जाके रुक जाएंगे, रुक जाएंगे ना बच्चा, बेस्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, बेस्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, कोई yes, हो जाएगा कोई पीछे रह जाएगा बच्चा। yes, sir. तो निकलेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ यहाँ पहुंच जाएंगे और कुछ यहाँ भी पहुंच जाएंगे, इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे, मानते हो? हेलो हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है बच्चा? यस आ रही है सर। ठीक है, अब बच्चा मैं चाहता हूँ कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए यहाँ पे, देखो हर एक के पास सेम एनर्जी नहीं है, हर एक के पास अगर मैं चाहता हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए यहां पे तो क्या करूं बच्चा? बता
बताओ भाई कुछ यहाँ पहुंच गया कुछ यहाँ पहुंच गया, मैं जाता हूँ सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए तो क्या करूँ मुझे बताओ मैं। ओ सर प्लेट लगा रखी अगर उस पर पॉजिटिव चले तो सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। हाँ गुड दैट्स द पॉइंट। सुनो तो अगर मैं इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दूं, क्या लगा दूं, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दूं, प्लस चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, याद है V is equal to KQ/R था, याद है? Yes, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैंने इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे बच्चा, मानते हो? Yes, sir. Yes. सबसे कम कनेक्टिंग एनर्जी वाला जो है मान लो, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया मेरे पास तो बाकी सारे पहुंच जाएंगे बच्चा, मानते हो? यस सर। तो होता क्या है, जैसे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ये एकदम से नहीं बढ़ाता, मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो मैंने पहले प्लस थ्री किया इस पे, तो पहले मान लो मैं मान रहा हूँ कि पहले मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन बिना पोटेंशियल के, 10 इलेक्ट्रॉन बिना पोटेंशियल लगाए, बिना पॉजिटिव पोटेंशियल लगाए पहुंच रहे थे, अब मैंने पोटेंशियल बढ़ाया थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दिया मैंने बच्चा, अब 20 पहुंचने लग गए, अब 20 पहुंचने लग गए, थोड़ा पोटेंशियल और बढ़ाया तो 30 पहुंच गए, बढ़ाते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ठीक है जी। तो ये बताओ बच्चा मेरे को कि जब 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तब करंट कम था ज्यादा था? क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा, मैंने पहले देखो मैंने सिर्फ लाइट डाली, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं था मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ठीक है, कहां तक, इस प्लेट तक पहुंच गए बच्चा, मानते हो? ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है जी। फिर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना पहुंचने वाले, हाँ ना बोलो? Yes. Yes, sir. तो करंट बढ़ रहा है घट रहा है पोटेंशियल बढ़ाने से? बढ़ रहा है ठीक है जी। पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब, एक ऐसा पोटेंशियल जब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, मानते हो? अरे हाँ ना बोलो? Yes, sir. उस पोटेंशियल के बाद अगर yes, sir. उस पोटेंशियल के बाद अगर मैं और पोटेंशियल बढ़ाऊं तो क्या करंट बढ़ेगा? नो सर। नो। मान लो ये पोटेंशियल V था, मान लो इस पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब अगर मेरा पोटेंशियल इससे भी बड़ा हो जाए मेरे पास, ठीक है जी, तो क्या करंट बढ़ेगा? नो। गुड, तो बस यही मैं तो समझा जाता हूँ कि इस जो करंट अब आएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं बच्चा हम लोग, मानते हो? तो yes, ये करंट आएगा, इस करंट को नाम दिया हम लोगों ने क्या, सैचुरेशन करंट। क्या बोला? सैचुरेशन करंट। बात समझ में आ रही है? yes. अच्छा, अब इस सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे किससे, लाइट डालने से, वो सारे के सारे दूसरी लेयर पहुंच जाएं तो उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब बताओ अगर मैं इस लाइट की जो मैं फोटोन डाल रहा हूं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या सैचुरेशन करंट बढ़ेगा या घटेगा? यस बढ़ेगा सर, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, मान लो मैंने इंटेंसिटी डबल कर दी, इंटेंसिटी को मैंने 2 times कर दिया, तो पहले फोटोन कितने थे, 100 आ रहे थे, अब कितने आएंगे, 200। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अब 200 निकलेंगे बच्चा, 200 निकलेंगे। तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन करंट आ रहा था, अब आ रहा है 200 इलेक्ट्रॉन करंट, तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। गुड, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अरे ये पॉइंट इस चैप्टर का यही मेन चीज है, दो चीजें, सैचुरेशन करंट और आपका एक और आ गया सर। सबको आ गया, हाँ ना बोलो भाई, क्योंकि यस, ये सर।
आवाज आपकी भी कट के आ रही है मेरे पास, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग देख लियो भाई, अब आ रही है आवाज क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, नेट में दिखा रहा है। बाकी लोग को आ रही है आवाज मेरी? यस सर। यस सर। तो भाई तू रिजॉइन कर, यस सर रिजॉइन कर ले, एक बार एक मिनट दे रहा तेरे को मैं, कर ले। आ गई सर आवाज, अभी बीच में कट गई थी सर एक भी। चल कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बच्चा देख, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी बच्चा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा बच्चा, बात समझ में आ गई? यस सर। सेकंड चीज जो मैं करूंगा इसमें बच्चा, वो क्या कहते हैं कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ मैं, अब मैं इंटेंसिटी को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, और मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी मान लो, तो ये बताओ बच्चा मेरे को कि क्या अब सैचुरेशन करंट बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा सर, एनर्जी बढ़ेगी सर। देखो फ्रीक्वेंसी से क्या बढ़ती है, फोटोन की ताकत बढ़ती है, फोटोन की यस सर बढ़ती है, तो उस ताकत बढ़ने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की करंट एनर्जी बढ़ेगी, मानते हो? यस यस। लेकिन करंट किससे आता है, कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे कितने टाइम में, क्या उस संख्या पे फर्क पड़ा? नो नो, क्या पे फर्क नहीं पड़ा बच्चा? तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे सर, हाँ जी बोलो, इलेक्ट्रॉन पहुंचे कितने टाइम में, तो टाइम तो जल्दी, वो तो जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि कनेक्टिक एनर्जी ज्यादा होगी। रुक तो सही, जब मैंने पोटेंशियल लगा ही रखा है, मैंने पोटेंशियल लगा ही रखा है, ऐसा पोटेंशियल लगा रखा है कि सारे पहुंच ही जाएं, तब कोई फर्क पड़ेगा उससे? नो सर, नहीं पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे बच्चा सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा, बात समझ में आ गई? यस सर। भाई करंट डिपेंड करता है कितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की, संख्या बढ़ती है इंटेंसिटी से, ताकत बढ़ती है किससे, फ्रीक्वेंसी से, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये चैप्टर का मतलब बोलो हाफ चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है, एक टॉपिक और बचा है, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, करा दूं अभी? करा दो सर। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी में कचरा कर दूं थोड़ा सा, नोट कर लेना बच्चा। यस सर। यस सर। ठीक है, कहीं मैंने पहले ही रब कर दिया। अच्छा अब मैं चाहता बता क्या, एक टर्म आएगी मेरे पास, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नाम से पता लग रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या काम करेगी, ये रोकने का काम करेगी बच्चा, मानते हो? यस सर। तो अब सुनो, इलेक्ट्रॉन मैं चाहता हूं कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक ना पहुंचे, एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक ना पहुंचे, तो मुझे क्या करना चाहिए इसकी? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा बच्चा, मानते हो? ठीक yes, है। तो मैं कब इंश्योर कर पाऊंगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा? जब सबसे ज्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंचे तो। दैट्स द पॉइंट, गुड। हर्षा है क्या ये? यस सर। गुड। अगर मैं मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक लूं, तो बात बन जाएगी? हाँ ना बोलो। यस सर। एग्जांपल ले लो, अगर मैं क्लास के सबसे शरारती बच्चे को डील कर लूं तो पूरी क्लास शांत हो जाएगी? यस सर। तो बस वही फंडा है, तो अगर सबसे ज्यादा कनेक्टिव एनर्जी वाले बंदे को रोक लूं तो बात बन जाएगी? अच्छा, तो पोटेंशियल नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स लगानी पड़ेगी, पहले तो अट्रैक्ट करा रहे थे
ताकि इलेक्ट्रॉन की जर्नी वहां तक पूरी हो जाए। आप क्या करना पड़ेगा, उसे रिपेल करना पड़ेगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालूं वो बताता हूं। अब मुझे बताओ सबसे जो शरारती बच्चा है इलेक्ट्रॉन, उसकी कनेक्ट एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ होगी ना बच्चा, उसकी वैल्यू होगी मेरे पास एच न्यू, उसकी एनर्जी हम माइनस थ्रेशोल्ड। हाँ ये आएगा बच्चा, मानते हो भाई? ये तो फोटोन की एनर्जी होगी। यस सर। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इतनी एनर्जी मैं सप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। अब तुम्हें याद होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था बच्चा, मानते हो? वी आना बोलो। यस सर। अब ये चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रोकना है बच्चा, तो चार्ज की वैल्यू क्या कर दूं, ई कर दूं बच्चा? यस सर। तो वर्क की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी ई इंटू वी, आना बोलो। यस सर। तो यहाँ पे ई तो आएगा ही आएगा, इसे नाम दे दूं, वी को वी एस लिख दूं, एस स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ ना बोलो? यस सर। तो बच्चा ये इससे मेरे पास वी एस की वैल्यू निकल जाएगी, वी एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड बाय ई, बात चमकी? यस यस। अब सुनो बच्चा, अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन देखते हैं इंटेंसिटी के साथ क्या है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद इंटेंसिटी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूं और इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मान लो F तो मेरा कांस्टेंट है बच्चा, और इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो बच्चा ये बताओ मुझे कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? घटेगा। घटेगा नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो बढ़ेगा नहीं चीज़ सर, उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन ये नहीं है। अरे एक बात सुनो यार, एक बात बताओ, क्या फोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी घटी? कुछ नहीं हुआ सर। इंटेंसिटी बढ़ाने से मुझे पता है संख्या बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कनेक्ट एनर्जी सेम रहती है। तो मुझे करना है, मुझे तो कनेक्ट एनर्जी डील करना है, मुझे तो कनेक्ट एनर्जी डील करना है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, उनकी ताकत तो सेम है, ताकत सेम, तो इसका मतलब क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा, बात चमकी नहीं चमकी? यस सर। सब लोग बता दो भाई, आलसी लोगों आ गया सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन अगर मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है बच्चा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता या घटाता हूं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं बेसिकली, एनर्जी चेंज होगी। हाँ अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, पहला केस लेता हूं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं मान लो, तो क्या होगा बच्चा? एनर्जी बढ़ेगी। तो कनेक्ट एनर्जी बढ़ेगी बच्चा, मानते हो? कनेक्ट एनर्जी बढ़ेगी, कनेक्ट एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा बच्चा, मानते हो? अगर शक्ति बच्चे की ताकत बढ़ेगी तो मुझे भी अपनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, मानते हो? यस सर। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास कम हो जाएगा, बात समझ में आ गई? यस सर। यस। अब सुनो इस इक्वेशन को ध्यान से, इस सीबीएसई की जो हॉट फेवरेट इक्वेशन है बच्चा ये है,
ये इस पे सवाल सीबीएसई पूछती है। अब बताओ इसमें वेरिएबल कौन कौन है? इस इक्वेशन में अगर लिखूं वेरिएबल कौन कौन है? फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, पोटेंशियल वेरिएबल है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। बच्चा मानते हो? यस। देखो थ्रेशोल्ड तो फिक्स रहता है, अगर मेरा मेटल सेम है तो थ्रेशोल्ड सेम रहेगा। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई चार्ज है, तो दो वेरिएबल है मेरे पास, तो इसे मैं वाई मान लूं और इसे मैं एक्स मान लूं, तो ये इक्वेशन कैसी बन रही है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रही है। Yes. तो ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो क्या करता है सीबीएसई वाला, जान बूझ के लाइन दे देता है। क्या देता है? लाइन दे देता है और पूछता है कि बताओ बच्चा इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, ठीक है ऐसे। तो बताओ स्लोप जो है m की वैल्यू क्या आ रही है, उस इक्वेशन कंपेयर करो। एच अपोनी गुड शाबाश। और स्लोप की वैल्यू, सॉरी इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस एच बी थ्रेशोल्ड बाय ई। पूरा ये ना बच्चा, तो आपको एक लाइन दे देगा। वो क्या देगा? लाइन दे देगा, उस लाइन से आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। मान लो ऐसे लाइन दे दी मैंने आपको, ऐसे लाइन दे दी, इस लाइन से आपको ये इंटरसेप्ट पता होगा। बच्चा मानते हो इंटरसेप्ट का सवाल में गिवन होगा, मान लो ये दो दे रखा है, मान लो ये माइनस टू दे रखा है जो भी ये सिस्टम, ठीक है। तो आप ये निकाल लोगे बच्चा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? दो आ जाएगी। एच आपको पता होता है, ई आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो वर्क फंक्शन? यस सर। ऐसे सवाल सीबीएसई पूछती है आपसे, ठीक है बच्चा। आना बोलो। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मेटल बदल दूं, एक मेटल ए था मान लो, एक मेटल बी था, तो क्या चीज सेम रहेगी, एम या सी? M सेम रहेगा ना, तो दो कर्व बना दूं मान लो, एक दूसरे मेटल के लिए बनाऊं मैं, तो दूसरे मेटल के लिए क्या रहेगा? ऐसे कर्व बनेगा बच्चा, मानते हो? दोनों का स्लोप तो सेम रहेगा बच्चा, हाँ ना बोलो? नहीं आया? देखो M की वैल्यू H by E है, H भी कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है, तो जब भी ग्राफ बनाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, मेटल बदलोगे तब भी क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन उनका सबका स्लोप सेम होगा, डिफर क्या करेगा? इंटरसेप्ट डिफर करेगा। वो डिफर क्यों कर रहा है? बी थ्रेशोल्ड के कारण, क्योंकि हर मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बता दो आज के लेक्चर में भाई? नो सर। चलो भाई आज मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है जी। कल तुम्हारे डाउट लेने मेरे को भाई, आज बच्चों ने काम नहीं किया था इसलिए मैंने डाउट लिए नहीं। कल मुझे पूरा एसी के क्वेश्चन चाहिए पूरे, ठीक है भाई? कर लोगे ईमानदारी से? यस सर। मैं आंसर भेज दूंगा आज आपको, ठीक है? एक्चुअली उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसलिए आंसर भेजना टिपिकल हो जाता है वैसे। चल भेज दूंगा, कोई नहीं, नकल मत मारना प्लीज, ठीक है जी। चलो भाई आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।